चिंता मत कीजिए मौसी, प्रभु महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है तो वो उचित कथा चुनने में भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वैसे भी कथाओं का क्या लाभ? कुछ नहीं। आज तक कभी किसी कथा कहानी से मुक्ति मिली है किसी को? भलाई हुई है किसी की? बताइए गणेश जी, ऐसे मिली है मुक्ति किसी को? हाँ मिली है, मुक्ति मिली है गोकर्ण की कथा में उनके भ्राता को। तो सुनिए, मैं आपको भक्त गोकर्ण की कथा सुनाऊंगा। एक ऐसे भ्राता जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से अपने भ्राता को मोक्ष दिलाया, उन्हें वैकुंठ तक पहुंचाया। तो यही चाहते थे पिता श्री प्रभु महादेव। पिता श्री प्रभु महादेव की लीला की था कोई नहीं पा सकता। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे एक बड़ा कारण होता है। कनीर जी, कैसे लीला? भक्त के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के अद्भुत स्वागत की लीला की। फिर मुझे चुनौती दी कि मैं पुष्पदंत जी को भक्ति का पाठ सिखाऊं। गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। अर्थात जो समाधान हम मांग रहे थे वो उन्होंने अपने आप दे दिया। क्योंकि जिस प्रकार गोकर्ण ने अपने भ्राता को कथा सुनाकर मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही भक्तों की कथाएं सुनाकर मैं पुष्पदंत जी की मुक्ति का माध्यम बनूंगा और संसार को भी भूत और भविष्य के सभी महान भक्तों का परिचय प्राप्त होगा। उनसे उनके जीवन को प्रेरणा मिलेगी। आप ये समझेंगे कि भक्त की भक्ति की दृढ़ता प्रभु को उसका भाग्य बदलने पर भी विवश कर देती है। गोकर्ण और अन्य भक्तों की कथाओं से आप ये भी सीखेंगे कि परिस्थिति कोई भी हो, प्रभु की भक्ति से कभी नहीं डिगना चाहिए। हाँ, ये पल्लो मिटा दे सिंदूर की रेखा को तो भागने का अवसर मिल जाएगा मुझे। पुष्पदंत जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ गणेश जी। मुक्ति जो पानी है, सुनिए। कहने दो इन्हें कथा, ये रेखा मिटेगी तो मैं अपनी ही कथा गढ़ूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेद के ज्ञान के स्रोत और वेद अनुरूप सभी कार्यों में निपुण एक धनी ब्राह्मण रहते थे। नाम था आत्मदेव। ओम सूर्याय नमः। वो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे, महाज्ञानी थे और धर्मनिष्ठ थे। धनी होने के बाद भी बहुत सरल साधारण जीवन जीते थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली, कुलीन भी थी और सुंदर भी, किंतु घर परिवार के दायित्वों की चिंता ही नहीं थी उन्हें। सुख ऐश्वर्य में ही रुचि थी और भोजन, उसके प्रति तो उन्हें बहुत आसक्ति थी। जहां एक ओर धुंधली घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके विपरीत आत्मदेव को प्रत्येक कार्य में आनंद आता था। ओ, ये भोर में कैसा अपशगुन हो गया, ये किसका मुख देख लिया मैंने। आज का दिन फिर अशुभ हो गया। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। मैं तो पौधों को खाद दे रहा था। कोई लाभ नहीं है खाद देने का, ना तो तुम्हारे पौधों में फूल आते हैं, ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। फिर वही राग कौन अलाप रहा है? तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाके डूब जाता या किसी पर्वत से कूदकर
अपने प्राण त्याग देता, किंतु भोर में अपना अशुभ अपशकुनी मुख किसी को ना दिखाता। मुख तो हमें तुम्हारा नहीं देखना चाहिए, जो ईर्ष्या की अग्नि में झुलसकर काला हो गया है। यदि तुमसे हमारा सुख नहीं देखा जाता ना, तो अपने घर से निकलना ही बंद कर दो, अन्यथा अपनी दृष्टि ही खो दोगे। शांत हो जाओ भाग्यवान, हमारे ही भाग्य अच्छे नहीं है, फिर किसी और को कुछ कहने से क्या होगा। अपने आप को दोष देकर मुझे और क्रोध मत दिलाइए, मुझे और भी काम है। पड़ोसी के शब्दों का प्रभाव धुंधली पर तो नहीं हुआ, किंतु उन कटु शब्दों के बाण आत्मदेव के हृदय को बींध गए। पुष्पदंत जी, सुन तो रहा हूँ गणेश जी, आप मार क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, पड़ोसी के शब्दों से आत्मदेव इतने आहत हुए थे कि किसी कार्य में उनका ध्यान ही नहीं लगा, बस वही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, उन्हें कष्ट देते रहे। ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है, तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। इतनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव, मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता। बस हो गया भोजन। तुम धनी होकर भी निर्धन हो तुम्हारे स्थान पर होता ना ऐसे जीवन तो किसी नदी में जाकर डूब जाता या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता, किंतु भोर में अपना अशुभ होकर भी निर्धन मुख देव किसी को ना दिखाता, कोई लाभ नहीं है। रुकिए ब्राह्मण देवता, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप जैसे सुविचारी के मन में ऐसा कुविचार आना भी अधर्म है, पाप है। दुख चाहे कुछ भी हो, किंतु आपके तन मन और आत्मा इतने पवित्र है कि वो इस परिणाम के योग्य नहीं है। फिर मैं किस योग्य हूँ ऋषिवर, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदा सबका भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, नियमित रूप से प्रभु की पूजा की, फिर भी क्या मैं एक छोटे सुख के योगी नहीं हूँ? संतान का सुख ही सब कुछ होता है, ये आपसे किसने कहा? आप अवश्य कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, जो मेरे बिना कहे ही मेरे मन की व्यथा जान गए। तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं? अवश्य, भविष्य के संकेत पढ़ने दीजिए मुझे। बड़े दुख की बात है, केवल इस जन्म में ही नहीं, आपको 7 जन्मों में संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण देव, मानव जीवन से बड़ा सुख और कोई नहीं है, यह तो ईश्वर की असीम कृपा का फल है। इस जीवन का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान है, इसलिए प्रभु भक्ति कर अपने मानव जीवन को सार्थक कीजिए। आप उदास अशांत चित्त से अपना मन प्रभु भक्ति में कैसे लगाऊं? संतान के अभाव में मैं शांति नहीं पा सकूंगा ऋषिवर, नहीं पा सकूंगा। शांति संतान नहीं, भक्ति और श्रद्धा देती है। लेकिन ऋषिवर, संतान बिना जीवन में प्रसन्नता कहाँ? प्रसन्नता संतान नहीं, संतुष्टि से आती है। तो संतोष कैसे करूं, ये जानकर कि मेरे अंत के बाद मेरी स्मृति रखने वाला कोई नहीं, मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। नाम?
नाम संतान से नहीं कर्मों से जीवित रहता है। किंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए ना? हाँ, किंतु संतान अधर्मी हो तो धार्मिक व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है, किंतु संतान भक्त प्रहलाद के समान धार्मिक हो तो अधर्मी का भी वंश सुधर जाता है। इसलिए वंश भी संतान से नहीं अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। किंतु ऋषिवर, मान्यता तो यही है ना कि संतान बिना श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं, मुक्ति नहीं। नहीं वत्स, ये सत्य नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो संतान के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है, उसी में आप खो जाइए। शेष प्रभु की इच्छा, वही कृपा करेंगे, मुक्ति देंगे। मेरी पीड़ा से तो मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब संतान की प्राप्ति होगी, और यदि ये मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। लगता है आज शीघ्र ही निकल गए स्वामी। चलो अच्छा है, उनके लौटने तक मुझे विश्राम करने का थोड़ा और अवसर मिल जाएगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण तो सबको धर्म का मार्ग दिखाता है, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देख सकता। आपकी हट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं विधि के विपरीत जाकर ये फल आपको दे रहा हूं। आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु इस फल के फलित होने के लिए आपकी पत्नी को एक वर्ष तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शौच, दान, दया का पालन करना होगा। एक समय पर एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। धरती पर सोना होगा। ऐसा करने पर ही बालक का स्वभाव शुद्ध होगा, सात्विक होगा, और वो माता पिता को सुख प्रदान करेगा। चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। विधि के नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप ये आम फल आपकी पत्नी को खिलाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी आपने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसे संभव है? नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। अरे स्वामी, आप कहां चले गए थे इतने शीघ्र? तो नहीं दिया ना वो फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी को? हाँ, किंतु फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया, फिर कुछ और ही हो गया। देखिए स्वामी, कौन आया है? ओहो, खुश रहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। ये ले चुटकी, हलवा खा। स्वामी, ये पुनः माँ बनने वाली है। ये ससुराल से मायके जा रही थी, मैंने कहा एक दो दिन यहीं रुक जा, अच्छा किया ना।
बहुत अच्छा किया। एक दो दिन रहेगी वो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा मुझे भी और इस अतिथि को भी। दीदी के हाथ का ये विशेष भोजन, हलवा खाकर। जीजाजी, मेरा अर्थ है कि मैं और मेरी होने वाली संतान को बहुत ध्यान रखना होता है इसका, पर इसमें भी बड़ा आनंद है। माता पिता बनने से अधिक बड़ा कोई और सुख कहाँ है। तो ये सुख तो मुझे भी मिल सकता है। अरे दीदी, आपने हलवा में घी और गुड़ अच्छी मात्रा में तो डाला है ना, या सदा के समान फिर बचत कर ली। अरे, ऐसे आनंद के अवसर पर मैं बचत के बारे में थोड़ी ही सोच सकती हूँ। वैसे भी ये आनंद सबको थोड़े ही मिलता है। इसी चक्कर में तो आज नोकझोंक हो गई पड़ोसी से। तब तो आपने भी उसे खूब सुनाया होगा, आप कहाँ रुकी होंगी। हाँ हाँ, तो मैं चुप रहने वालों में से थोड़े ही हूँ। अब वो कभी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे हमारी समस्या का समाधान मिल गया। ये देखो, अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति, वो कैसे। एक महान ऋषि ने मुझे ये फल देकर बोला कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। किंतु तुम्हें एक साल तक सात्विक जीवन जीना होगा, सत्य, शुद्धता, दया और दान के नियमों का पालन करना है। एक समय पर एक ही अन्न खाना होगा और धरती पर चटाई बिछाकर सोना होगा। चिंता की बात नहीं है प्रिये, ये सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये लो, इसे खा लो। मैं प्रभु के मंदिर जाकर भक्ति का फल देने के लिए उनका आभार प्रकट कराता हूँ। तो क्या दुल्हे सात्विक जीवन जीने के लिए तैयार हो गई? अब आनंद आएगा, बस एक पवन का चुका और फिर खुल जाएगा मेरा मार्ग। इस बार ऐसा छिपूंगा कोई नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। बस तब तक गणेश जी का ध्यान पटा रहे। हाँ हाँ, बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ। आत्मदेव संतान प्राप्ति के विचार से बहुत प्रसन्न थे, किंतु धुंधली, उनका मन तो अनेक चिंताओं से भरा था। उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया था। क्या हुआ दीदी? सात्विक जीवन का अर्थ समझती हो तुम? ना चटपटा भोजन होगा, ना कोमल शैया, मैं जीऊंगी कैसे? नया जीवन संसार में लाना है, संतान सुख पाना है, तो अपने ऊपर तो इतना संयम रखना पड़ेगा ना दीदी, इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक नहीं, अनेक त्याग। हाँ दीदी, करना पड़ता है, ऐसे कष्टों को मुस्कुराकर सहना पड़ता है। कष्ट, पीड़ा, अपार पीड़ा सहनी होती है। पीड़, सारे सुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दीदी। पर तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। संतान की प्राप्ति के लिए मैं इतने कष्ट सहूंगी कैसे? इस झंझट से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। उपाय मिल गया। देखो दीदी, तुम्हारे पास धन वैभव है, मेरे पास संतान सुख। यदि तुम मुझे कुछ धन देने का वचन दो तो मैं अपनी होने वाली संतान तुम्हें दे दूंगी। सोच लो दीदी, ना तुम्हें संतान को गर्भ में रखने का कष्ट होगा और ना ही प्रसव पीड़ा। बस तुम मेरे साथ मायके चलो, जब ये संतान होगी तो हम कह देंगे कि ये संतान तुम्हारी है और मुझे मृत संतान हुई। हाँ, और 6-7 महीने शिशु का लालन पालन भी मैं करवा दूंगी। योजना तो अच्छी है, किंतु हमारे पतियों को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये फल, इसका क्या करूं? दीदी, ये आम अपनी गौ माता को खिला दो। हाँ,
हाँ, गौ माता को खिला देती हूँ। ओहो, योजना हो तो ऐसी हो। तो क्या उन दोनों ने उस योजना पर अमल भी किया और वो फल गौ को खिला दिया धुंधली ने? निर्णय लेने के बाद धुंधली ने अधिक सोच विचार नहीं किया। गौ माता, यदि मेरे पतिदेव की बात सत्य थी तो आप तैयार हो जाइए प्रसव पीड़ा के लिए। फिर गर्भवती होने का बहाना कर वो अपनी बहन के साथ अपने मायके चली गईं। ये तो उन दोनों ने अच्छा नहीं किया। क्या उन दोनों बहनों को अपनी उस युक्ति में सफलता भी मिल गई? वो प्रतीक्षा के दिन और रात आत्मदेव के लिए बहुत लंबे भी थे और आनंददायक भी। पिता बनने के ही स्वप्न देखते और अपनी होने वाली संतान के लिए पालना और अन्य खिलौने बनाने में ही सारा समय लगाते। आत्मदेव की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब उन्हें समाचार मिला धुंधली ने संतान को जन्म दिया है और अब वो घर लौट रही हैं। महाराज, आपकी पत्नी और पुत्र आ रहे हैं। इस समाचार से आत्मदेव तो फूले नहीं समा रहे थे, आनंद के सागर में डूब गए थे। शुभ समाचार है, पुत्र हुआ है। लीजिए। बधाई हो लखन भाई। अरे मिठाई लीजिए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। पुत्र हुआ है पुत्र, आप तो खाइए, मेरे हाथ से खाइए। स्वामी लीजिए, मिलिए अपने पुत्र से। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। किंतु स्वामी, इस शुभ समाचार के साथ एक दुखद समाचार भी है। वो क्या? वो जीवित नहीं था छुटकी का शिशु। ये तो अच्छा नहीं हुआ। ये हमारा पुत्र रो क्यों रहा है? नहीं, मुझे दीजिए। इतना रोना तो उचित नहीं है, कैसे इसको शांत करें? भूख लगी होगी स्वामी। एक बुरा समाचार और भी है। क्या और बुरा क्या हुआ है? मैं माँ तो बन गई, किंतु मैं अपने बच्चे को दुग्ध पान नहीं करा सकती। पर भले ही इसका बच्चा ना रहा हो, यह हमारे बच्चे को दुग्ध पान करा सकती है और कुछ समय तक इसके लालन पालन में मेरी सहायता भी कर देगी। अब जब वो हमारी इतनी सहायता कर रही है तो हम भी उसकी थोड़ी सहायता कर देते हैं। इसके पति का व्यापार। समझ गया। चुपकी जो मांगेगी मैं उसको दूंगा, धन की कोई कमी नहीं है यहाँ। गौ माता, स्वामी वो गौ माता सुरक्षित तो है ना? हाँ हाँ, लेकिन आपको उनका ध्यान कैसे आ गया? अर्थात गर्भवती नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ ही था। कुछ नहीं हुआ उस फल से तो उसे मैं ही खा लेती। ना छोटी को धन देना पड़ता, ना उस बालक को पालना पड़ता। बालक के प्रति दायित्व निभाना धुंधली को अच्छा तो नहीं लगता था,
किंतु जब किसी को अपना लो तो उससे लगाव तो हो ही जाता है। मेरा पुत्र, आज मंदिर के पुजारी से इसके नामकरण की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उचित समय पर रख देंगे। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम होगा ब्रह्मदेव। नहीं नहीं, आप इसका नाम नहीं रखेंगे। नहीं दीदी, इसका पालन पोषण मैं कर रही हूँ तो मैं ही रख दूंगी इसका नाम। अरे मेरा पुत्र है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं रखूंगी इसका नाम। मेरे लाडले पुत्र का नाम मेरे नाम पर होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम होगा धुंधकारी। ये गौ माता को क्या हुआ? गौ माता जन्म देने वाली है। मैं गर्म जल की व्यवस्था करती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो पुत्र, तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुले थे। तुम आए और अब गौ माता भी बछड़े को जन्म देने वाली है। बछड़ा नहीं जीजा जी, गौ माता ने मानव शिशु को जन्म दिया है। मानव शिशु को जन्म दिया है। अद्भुत, आश्चर्य, मनुष्य का शरीर और गौ माता के कान। ये कैसे संभव है? ये प्रभु की कैसी लीला है? कहीं स्वामी पर हमारा रहस्य खुल ना जाए। रहस्यमयी चमत्कारी है प्रभु की लीला। ये तो प्रभु की विशेष कृपा है धुंधली हम पर। प्रभु ने हमें एक और आशीर्वाद दिया है। अब हमारे एक नहीं, दो दो पुत्र हैं धुंधली। ऋषिवर ने जो फल दिया है उसके वरदान के समान सुफल मिला है। धुंधकारी के साथ इसे भी पालेंगे हम। इस दिव्य बालक के कर्ण गौ के समान है तो इसका नाम होगा कोकर्ण। कोकर्ण उसी दिन से आत्मदेव ने गोकर्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। फिर धुंधली, क्या उन्होंने भी गोकर्ण को पुत्र रूप में स्वीकार किया? और क्या छुटकी अपने पुत्र को उनके पास छोड़ सकी? नहीं। तो फिर धुंधली के कहने पर छुटकी धुंधकारी के लालन पालन के लिए वहीं रुक गई। और ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। फिर गणेश जी, फिर धीरे धीरे धुंधली के मन में भी धुंधकारी के लिए ममता जागने लगी। और जैसे जैसे वो दोनों शिशु बढ़ने लगे, ये ममता भी बढ़ने लगी। और फिर कुछ और घटित होने वाला था। ओहो, पढ़ाकू जी फिर पढ़ रहे हैं। देखता हूँ कब तक पढ़ पाते हैं ये। देखा? अच्छा, तो पढ़ाकू जी फिर से पढ़ने लग गए। पुत्र देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट हलवा। लो पुत्र, खीर खाओ, मैंने बनाई है। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है। पुत्र, कितनी बार कहा है तुमसे मैंने, ये तुम्हारी मौसी है। माँ मैं हूँ। चलो हटो छुटकी,
पुत्र, ये खीर छोड़ो, हलवा खाओ, तुम्हें बहुत प्रिय है ना। माँ आपने मेरे लिए हलवा बनाया है, आप ही मेरी सच्ची माँ हो। पुत्र, हलवा खाने के बाद खीर खाओगे ना? नहीं, मेरा पुत्र कोई खीर वीर नहीं खाएगा। अगर तुम्हें देनी ही है तो जाओ उस गौ करने वाले बालक को दो। लो, खाने का मन हो तो खा लेना। छुटकी मेरे पुत्र के मन में कुछ भर दे और वो उसको अपनी माँ मानने लगे, मैं सह नहीं सकूंगी। मुझे कुछ करना होगा। छुटकी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और तुम्हें भी मेरे पति से धन मिल गया है। अब तुम्हें जाना चाहिए। उसे अब भूल जाओ, वो मेरा पुत्र है, उस पर मेरा अधिकार है। छुटकी चली गई और जीवन उसी प्रकार चलता रहा। धुंधकारी को धुंधली का स्नेह मिलता रहा और गोकर्ण को तिरस्कार। धुंधकारी की जूठन खाता था, उसके उतारे वस्त्र पहनता था। ये पक्षपात आत्मदेव से छिपाना था, किंतु धुंधली को वो कुछ भी समझाने में असमर्थ थे। भोजन के लिए जूठन और पहनने के लिए उतरन धारण करने को विवश गोकर्ण कभी निराश नहीं हुआ। और इस प्रकार एक ओर गोकर्ण वेद उपनिषद आदि का पाठ कर ज्ञानी युवक बना, जिसके लिए धर्म कर्म ही सर्वोपरि था। वहीं माँ के लाड़ प्यार में बिगड़कर धुंधकारी वो युवक बना, जिसके लिए अधर्म करना उसका स्वभाव था। करो करो मित्रों, मदिरा पान करो, आनंद लो जीवन का। ए, थोड़ा जल हमें भी पिला दो। लो देखो, हम यहाँ आते हैं सुंदरियों के दर्शन करने, और ये मेरा मूर्ख भ्राता गोकर्ण, ये आता है वृद्धाओं की सहायता करने के लिए। अब इस जल से मैं प्रभु का जल अभिषेक करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता गोकर्ण, मदिरा थोड़ी कड़वी है, थोड़ा जल इसमें भी तो डाल दो। भ्राता, ये जल शिव अभिषेक के लिए, तुम्हारी मदिरा के लिए नहीं। बड़े बड़े कानों के स्थान पे बड़े नेत्र होते ना, तो कम से कम ठीक से चल तो पाते। हाँ,
प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा। ए वृद्ध ऋषि, ये बस धर्म कर्म करता है, ये तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा। प्यास बुझानी है तो मेरे पास आओ। दाते, प्यासे को जल पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं, शास्त्रों में भी इसका महत्व शिव अभिषेक के समान है, किंतु आप नहीं समझेंगे। लीजिए ऋषिवर। ये गौ के कण वाला मेरा अपमान करे, ये मैं नहीं सहूंगा। दोस्त, तुम एक ऋषि को मदिरा पिलाने का पाप कर रहे थे, तो अब आप क्या मुझे श्राप दोगे? ऋषि, क्षमा कर दीजिए, मेरे भ्राता को क्षमा कर दीजिए, ना समझे हो। कहा तुम्हारे पिता आत्मदेव, और कहा तुम, मैं क्या तुम्हें श्राप दूं? वैसे भी तुम शापित जीवन जी रहे हो। ऋषि, अपने पुत्र धुंधकारी की ऐसी दुर्दशा देख आत्मदेव उसके भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे। जहां गोकर्ण सद्गुणों का भंडार था, वहीं धुंधकारी अवगुणों का अंबार। धुंधकारी और गोकर्ण एक ही आयु के हैं, लेकिन कहां गोकर्ण सदाचारी संस्कारी और कहां ये धुंधकारी। आप तुलना मत कीजिए मेरे पुत्र की इस गोपुत्र से। समझने का प्रयास कीजिए, आप बिगाड़कर उद्दंड बना रही हैं उसे। हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र, जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। नहीं, मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। माँ, बस बात हुआ, तुम्हारी जैसी संतान के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं, निकल जाओ इस घर से। जब विवेक जागृत हो तब वापस आना। द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था, तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। मेरी भूल पर प्रभु महादेव ने भी मुझे ऐसा ही दंड दिया था। बड़ी रोचक कथा है, फिर आगे क्या हुआ? फिर जो घटना घटी उससे आत्मदेव के जीवन की दिशा ही बदल गई। जी पुनः क्रोधित होंगे, अतः मुझे इस परिस्थिति को संभालना होगा। पिताजी, ये देखिए ना, ये देखिए। अरे व्यर्थ की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला आप दोनों का। ग्रंथों से पेट नहीं भरता, धन से भरता है, आनंद प्राप्त होता है। माँ, भोजन दो। आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या पकवान बनाए हैं। आओ, बैठो। जैसा बेस्वाद खाना है ये। पिताजी, वृद्धा हो गई हैं आप, या तो भोजन बनाना भूल गई हैं। अरे ये तो पशुओं के लिए ही ठीक है, ले जाइए इसे और खिला दीजिए अपने गौकर्ण को। धुंधकारी, पिताश्री, माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, भोजन का तो सम्मान करो जिससे तुम्हें जीवन मिलता है। सीखो कुछ अपने भाई से। सीखूं इस पशु से जो मेरा झूठा खाता आया है, उससे भोजन का सम्मान करना सीखूं? हाँ, गोकर्ण को जो मिलता है वो प्यार से खाता है, तुम्हारी तरह भोजन व्यर्थ नहीं करता। रहने दो पुत्र, रहने दो, इतना क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्वादिष्ट बना लाती हूँ। नहीं माँ, सुना नहीं आपने पिताजी ने क्या कहा कि भोजन को व्यर्थ नहीं करते, भोजन का सम्मान करते हैं। तो मैं पिताजी को भोजन कराता हूँ। अरे पिताजी, तो आप ही कीजिए ना भोजन का सम्मान, व्यर्थ नहीं करते पिताजी, सम्मान करिए भोजन का, सम्मान करिए। भ्राता, और भोजन को अपमानित नहीं करते हैं पिताजी, और ये रहा आपका सम्मान।
विधि की नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। एक पुत्र धर्मात्मा, दूसरा इतना अधर्मी। ऐसे अधर्मी पुत्र को तो घर से ढकेल के निकाल देना चाहिए। बड़ी रोचक कथा है, फिर आगे क्या हुआ? क्या धुनकारी इस कथा में पिशाच बना? मार्ग खुल गया मेरा, रेखा मिट गई। क्या करूं? अवसर सामने है, किंतु कथा का अंत भी तो जानना है। अच्छा, तो ये विचार घूमड़ रहा है इनके मन में। और भी रुचिकर है इसके आगे की कथा, क्योंकि अब आत्मदेव जी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। उनके साथ उनके परिवार के लिए सब कुछ बदलने वाला था। चिंता क्यों करूं? घेरा जो मिट चुका है अब फिर नहीं जुड़ेगा। कथा समाप्त होते ही छूमंतर हो जाऊंगा। कथा सुनेंगे तो समझेंगे कि आपका रुकना क्यों आवश्यक है। पुष्पदंत जी, कहिए गणेश जी, आगे की कथा कहिए। पुत्र ने जो अपमान किया उससे आत्मदेव की आत्मा हिल गई। उस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। पिताश्री, जब नशे के कारण किसी का मस्तिष्क ही उसके वश में ना हो तो उसकी बातों का बुरा क्या मानना। भ्राता धुंधकारी को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है और क्या कहा है। भूल समझ के भूल जाइए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भूल उसकी नहीं, भूल तो मेरी थी, मैं क्या क्षमा करूंगा उसको। आपकी भूल कैसे पिताश्री? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। संभालो, संभालो। यहाँ विश्राम करो। हटो। पिताश्री, आप कोई भूल कैसे कर सकते हैं? पुत्र मोह ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विधि के विधान के विरुद्ध पुत्र जो चाहा था मैंने, उसी का परिणाम है ये। ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन ही रहना बेहतर था। पिताश्री, जीवन देना तो पुण्य कर्म है, इसमें आपका कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। आपने हम दोनों को समान शिक्षा दी, धर्म पथ पर चलना सिखाया, किंतु कौन से पथ का कौन चुनाव करेगा ये आप निर्धारित कैसे कर सकते हैं? भ्राता सुपथ से भटक गए, किंतु मैंने आपके दिए गए विचारों का पालन किया और मैं ज्ञान साधना में इतना आगे बढ़ गया। वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। इसीलिए केवल भ्राता का विचार कर अपने मन को दुखी मत कीजिए। अपने मन से मोह माया को त्याग दीजिए तो दुख भी मिट जाएगा। मृत्यु लोक में मोह माया के बंधन से कदाचित ही कोई मुक्त हुआ होगा। कामनाओं के माया जाल में लगभग सभी उलझे हैं। बस यही कारण है दुख और विनाश का। पुत्र, मैं क्या करूं पुत्र? इसका सुझाव मैं कैसे दे सकता हूं पिताश्री? क्यों, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो तुम, दिव्य आत्मा हो, जो भी कहोगे उचित ही होगा। पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करो। पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है, अब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। घर गृहस्थी, पुत्र धन, सभी को त्याग कर वैराग्य अपनाइए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। मुक्तिदाता आपको दुखों से मुक्ति देंगे। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है। पिताश्री।
आंखें खोलने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्र। पुत्री नहीं, गुरु हो तुम मेरे। तुमने उचित कहा, वानप्रस्थ ही अब मेरी नियति है। मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तुम अपनी माँ से पूछ लो, क्या वो भी मेरे साथ जाएंगी? नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक गौ का बछड़ा कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। मैं नहीं आने वाली इसकी बातों में। ये अब यहाँ रहने का अर्थ है दुखों को सहना। सत्य को स्वीकार कर हम बन जाएंगे। नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। पुत्र ही अपमान करेगा तो पुत्र वधू कैसे मान रखेगी तुम्हारा? सम्मान करेगा, मेरा पुत्र मेरा सम्मान करेगा, मेरी बहुत सेवा होगी, मुझे कोई कमी नहीं होने देगा पुत्र धुंधकारी। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। भूल मैं नहीं, भूल आप कर रहे हैं स्वामी। जिसका उद्देश्य परिवार में फूट डालकर सब कुछ हड़प लेने का है, उसकी बातों में आकर आप भूल कर रहे हैं। किंतु मेरे रहते ये कुछ हड़प नहीं सकेगा। मैं फिर से तुम्हें सचेत कर रहा हूं धुंधली, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। विद्याश्री, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं पुत्र गोकर्ण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। यहां तुम्हारी माँ अकेली है। धुंधकारी तो मदिरा के प्रभाव में मर्यादा की कौन सी सीमाएं लांघ जाए कौन जानता है। जो अपने ही वश में नहीं रहता वो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक वचन दो, जब तक तुम्हारी माँ धुंधली यहाँ पर है तब तक तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी पिताश्री। पिताश्री, श्रीमद् भागवत के दशम कांड का पाठ कीजिएगा, स्वयं प्रभु परम श्री कृष्ण से मिलाने में ये पाठ आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार आत्मदेव वहां से चले गए, अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाया और बस भागवत के दशम अध्याय में लीन हो गए। कर्म अच्छे हो और पूजा में सच्ची भक्ति हो तो उसका फल अवश्य और शीघ्र मिलता है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा से भागवत कथा में लीन आत्मदेव की भक्ति भी फलित हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ आत्मदेव। कहो कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, उससे अधिक मैं क्या मांग सकता हूँ? किंतु तुम्हारे तप का फल वो तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आप में समाहित होकर आपसे ही एकीकार हो जाऊं। तथास्तु। श्री हरि, 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 श
श्री हरि। महा महा पिताश्री को इस संसार से मुक्ति मिल गई। महा दुखी मत होइए, ये तो पिताजी के लिए सौभाग्य की बात है, उन्हें परम श्री कृष्ण का धाम मिला। महा 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 दुखी मत होइए। महा 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 माँ द्वार खोलिए। माँ माँ भ्राता वो पिताश्री अजामने से माँ पिताजी। ये रोने धोने का स्वांग बंद करो, कोई जीवित है या नहीं इससे नहीं, बस मुझे इससे अंतर पड़ता है कि जब मैं कहूँ मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए शीघ्र भोजन लाओ। एक बार गलत मार्ग पर निकल जाओ तो लौटना कठिन होता है, और धुंधकारी तो अब दोषों की खाई में ही गिर पड़ा था, वो अंधकारी खाई जो उसे महाप्रेत पिशाच बनने की ओर ले जा रही थी। किंतु धुंधली का पुत्र प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ था, उन्हें अभी भी आशा थी उनका पुत्र उनका ध्यान रखेगा, और इसके लिए वो धुंधकारी के विवाह के विषय में विचार करने लगी, ये जाने बिना कि उनके पुत्र के मन में तो विवाह को लेकर भी कुविचार पनप रहे थे। पुत्र ये वस्त्र पहन लो, एक बहुत संस्कारी कन्या ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमसे प्रेम करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी और मेरी भी थोड़ी सेवा कर देगी। उसी के माता पिता को बुलाया है आज। अरे पुत्र, अच्छा जाते हो तो जाओ, मगर शीघ्र लौट आना और मदिरा पान मत करना। मेरी इच्छा है तुम्हें विवाहित देखने की, अपनी माँ की इच्छा पूरी करना पुत्र। आपका घर तो बहुत अच्छा है, किंतु आपके पुत्र से भी भेंट हो जाती तो? बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, अब मेरा पुत्र बस आता ही होगा। क्षमा करें देर हो गई है, अब हमें जाना होगा, आप कहें हम कल फिर से आ जाएंगे। बस कुछ समय और रुक जाइए, मेरा पुत्र बस आता ही होगा। आता होगा नहीं माँ, आ गया। आओ मेरी पंच रत्नो, मुझे संभाल लो। माँ तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र वधु लाऊं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी पुत्र वधुएं लेकर आया हूं, स्वागत नहीं करोगी इनका? तुम्हें कहती थी ना कि वो पुत्र वधु चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, जो मेरा ध्यान रखे। बोलो मैं ले आया, लेकिन एक नहीं मैं पांच पांच पुत्र वधुएं लेकर आया हूँ। माँ बताओ माँ कैसी लगी?
आपके पुत्र को इन नर्तकियों के साथ ही रहना था तो हमें अपमानित करने के लिए क्यों बोला आपने? और क्या, अपने पुत्र को आप ही रखे और आप ही सही है। चलिए स्वामी। जाइए महाराज, जाइए। ओहो माँ, अब ऐसे ही देखती रहोगी इनको या इनका स्वागत भी करोगी? सुनो, ये बात समझ लो, अपनी सेवा का विचार भुला दो, अब तुम्हें इनकी सेवा करनी है माँ। तो जाओ, पुष्प लाओ, आरती उतारो इनकी, पकवान खिलाओ, आसन बिछाओ और अच्छे से स्वागत करो माँ इनका। परसों पहले पितृ मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम ही वही भूल करने जा रही हो। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब धुंधली को ये आभास हुआ कि संतान की परवरिश में अत्यधिक लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से दुखद परिणाम ही प्राप्त होते हैं।